गाइस आपको तो पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरुआत हो चुकी है और रूस और यूक्रेन के इस जंग को टालने की कोशिश दुनिया की हर बड़ा नेता कर रहा है। अमेरिका से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति सीधे तौर पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण। यूरोप के इस देश में बड़ी तादाद में ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं और यूक्रेन में सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है। इसके बाद मुस्लिमों का नंबर आता है जो इस देश की दूसरे सबसे बड़ी आबादी है। इसके अलावा इतिहास की बात करें तो यूक्रेन 1990 में ही सोवियत संघ से अलग हो चुका था। अब यह रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की करीब 30% आबादी ग्रामीण है और बाकी शहरी आबादी है। इसके साथ ही दुनिया की खेती के मामले में भी यूक्रेन तीसरे नंबर पर आता है। साक्षरता के मामले में भी यूक्रेन काफी आगे है और यहाँ की 99.9% जनसंख्या साक्षर है। यूक्रेन साक्षरता के मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर है। यूक्रेन को हवाई जहाज के निर्माण के लिए भी खास पहचान हासिल है और खूबसूरती के मामले में भी यूक्रेन का कोई जवाब नहीं है। यहाँ महिलाएं बराबरी के साथ पुरुषों के साथ काम करती हैं और उनकी भागीदारी भी समान है। खान पान को लेकर भी यह देश कई मायनों में अलग है। यहाँ का मैकडोनल्ड दुनिया का तीसरा सबसे बिजी मैकडोनल्ड माना जाता है। पर्यटन के लिहाजे से ये भी यूक्रेन की अलग पहचान मिली हुई है और यहाँ 7 ऐसे जगह हैं जिन्हें यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। इसमें अनोखा तेज चर्च से लेकर कीव की सेंट सोफिया चर्च शामिल है। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी आधुनिक माना जाता है और रेल नेटवर्क अलावा सस्ती बस सर्विस का संचालन देश के हर बड़े शहर में होता है। और कीव स्थित टीटोसिको टावास्को मेट्रो लाइन भी यूक्रेन की शान है। यहाँ यह मेट्रो जमीन से 105 मीटर नीचे बनी हुई है, तो कभी कभी डरावना भी नजर आती है, लेकिन किसी आपदा के वक्त सुरक्षा के लिहाजे से इसे तैयार किया गया है। गाइस ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें।